दोस्तों मैं प्रमोद मौर्य इसमें रॉयल्टी लेवल पे हूँ और रॉयल्टी जैसी इनकम को ले रहा हूँ, फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ कि ओपनर की पिन मार्च महीने टारगेट में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ये 1500 रुपया इसमें प्लस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5500 रुपया। ये आपको ये जो पैसा है आपको ये ओपनर लेवल पर आपको मिलता है, ठीक है। आरसीएम बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो लगातार पिन कैसे चेंज किया जाए उसके बारे में मैं बताता जा रहा हूँ। मैंने बिगिनर की वीडियो बनाया, मैंने स्टार्टर कैसे आया उसकी वीडियो बनाया, आज तीसरी वीडियो है कि हम ओपनर लेवल को कैसे अचीव करें। ओपनर लेवल के लिए कितना बिजनेस की जरूरत होती है, कहां कहां से बिजनेस आएगा, कहां से ले आना है, कितनी ज्वाइनिंग डालनी है, वो सारा प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं प्रमोद मौर्य इसमें रॉयल्टी लेवल पे हूं और रॉयल्टी जैसी इनकम को ले रहा हूं, फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। आज आपको बताना चाहता हूं कि ओपनर की पिन मार्च महीने टारगेट में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो ओपनर की पिन के लिए आइए हम बताते हैं आपको बोर्ड पर डायरेक्ट। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ओपनर की पिन आपको आए, ओपनर की पिन आप लेना चाहते हैं तो ओपनर की पिन को लेने के लिए आपका जो बिजनेस वैल्यू है वो लगभग यहाँ पर टोटल मिनिमम 70,000 पीबी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का 70,000 पीबी हो जाता है तो वो ओपनर की पिन पर चला जाता है और ओपनर की जो इनकम आती है अभी इस समय जो इनकम आती है वो लगभग 4,000 रुपया, ये नॉर्मल इनकम है, 4,000 रुपए से प्लस की इनकम जो है आती है किसी भी व्यक्ति को। तो ये 4,000 की जो इनकम लेना चाहते हैं उनको ओपनर पिन लेके आना होगा और इस मार्च महीने में निकालना होगा। तो इस 70,000 को बिजनेस को पूरा करने के लिए क्या करें, उम्मीद करता हूं कि आपने अपना बी ग्रुप खोल लिया होगा। यदि आपका बी ग्रुप नहीं खुला है तो भी मैं आपको बताऊंगा ओपनर पिन कहां से आएगा, कैसे आप अचीव कर सकते हैं। यदि आपका बी खुला है तो आपको और आसानी हो जाएगी ओपनर पिन को अचीव करने में, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में मैंने स्टार्टर पिन के लेवल को मैंने बताया था कि स्टार्टर पर आपको बी ग्रुप खोल लेना चाहिए अगर आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर के उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपकी आईडी लग गई, ये आपकी आईडी है और आपको बिजनेस चाहिए 70,000 ओपनर लेवल के लिए। ओपनर लेवल के लिए आपको चाहिए 70,000, उसके लिए क्या चाहिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए दो लाइन, ये और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये दो लाइनें हैं दोस्तों। इस दो लाइन में यहाँ पे जो बिजनेस चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा आईडी इस तरह से लगा होगा, आप देख सकते हैं अपनी टीम में देख सकते हैं ऐसी आईडी लगा होगा। यहाँ पर भी आपको बी में भी आपको आईडी लगाना होता है, मतलब लगाना होता है, बी मतलब खोलना होता है। ये वाली लाइन बड़ी होती है, ये वाली लाइन छोटी होती है, इसे आप समझ लीजिए। इस लाइन में जो बिजनेस वैल्यू चाहिए, यानी परचेजिंग वैल्यू जो आपको चाहिए, परचेजिंग वैल्यू आपका 50,000 से प्लस चाहिए, 50 से प्लस आपको यहाँ पर पावर लेग से चाहिए। तो पावर लेग से कैसे आएगा, जैसे कोई व्यक्ति है जिनका आपने जिनको बिगनर बनाया, 20,000 बिजनेस यहाँ पर चलाया, ये व्यक्ति बिगनर हो गए, इनके ऊपर कुछ लोग हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को आपने दूसरी लाइन में 10,000 कराया और इनका हो गया 40,000, यहाँ पर 40,000 आप लेके चले आए। 20 और 40 के बीच में भी मान लीजिए 10,000 बिजनेस है, पहले से है 10,000 बिजनेस है, तो 20, 10, 30, 10, 40 यहाँ पर हो जाता है, 30 यहाँ होता है, तो 20 आप 10 मिला लेंगे इधर वाली साइड से, बी वाली साइड से अगर आप यहाँ पे 10 मिला लेते हैं तो ये 40,000 आपका हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से 40 पे आप आ गए, तो 40 के बाद में 50 और 40 के बीच में भी कुछ लोग होंगे जिनका आप लेवल निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टार्टर का पिन लेना चाहते हैं तो उसमें आप उनको तैयारी करा के 10,000 बिजनेस वैल्यू उनका करा के स्टार्टर निकलवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति है बिगिनर है और बिगिनर से ऊपर वाला कोई 30,000 बिजनेस जा रहा है, उनको भी बिगिनर की पिन चाहिए, तो उन्हें 5,000 बिजनेस वैल्यू आप करा सकते हैं। मतलब नीचे आपके नीचे कम से कम 2 से 3 बिगिनर होने चाहिए और आपके नीचे 1 या 2 स्टार्टर आपको बनाने होंगे, पावर लेग में इस वाली साइड में आपको बनाने होंगे, ये आपको ही बनाने होंगे। अपलाइन का सपोर्ट लेना होगा, अपलाइन का मदद लेना होगा और आपको ही ये नीचे तैयार करने पड़ेंगे। 2 से 3 बिगनर तैयार करो, 1 से 2 स्टार्टर तैयार करो, 50,000 से प्लस का आपका परचेजिंग वैल्यू यहाँ हो जाता है ए लाइन में। अब आती है बात बी लाइन की, बी लाइन में कैसे किया जाए, तो बी लाइन में जो बिजनेस आपको चाहिए वो चाहिए आपका 20,000, टोटल 20,000 आपका होना चाहिए। अगर यहाँ पर 50 और यहाँ 20 हो गया तब जाकर के ये 70,000 पीबी आपका हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर एक आईडी जो लगी है वो, या फिर एक आईडी यहाँ पे लगाओ और उस व्यक्ति को आप बिगनर बनाओ। बिगनर बनाने के लिए मान लेते हैं आपने बी खोला, स्टार्टर लेवल पे ही बी खोल लिया, आपका 40,000 बिजनेस जा रहा था, आपने स्टार्टर के लेवल पे जाते जाते बी खोल लिया। अब आपके बी साइड में बिजनेस वैल्यू जो जाता है वो मान लीजिए 10,000 जाता है, क्योंकि आप स्टार्टर थे, 10,000 बिजनेस वैल्यू आपके बी साइड में जाता है। अब आपको क्या करना, इस व्यक्ति को बिगनर बना देना, ये जो व्यक्ति है पहले से इस व्यक्ति को बिगनर बना देना है। नीचे कोई व्यक्ति है जिनकी आईडी नीचे लगती है, इन्हें 10,000 पे लेकर के आना है, 10,000 पे इनके नीचे कोई व्यक्ति है उनको 5 पे लाना है।
इन्हें 5 पे लाइए, इन्हें 10 पे लाइए, और जो पहले से 10 थे उनको 20 पे लेके जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 20,000 बिजनेस यहाँ से हो गया। आपको अपने आईडी पर, सेल्फ आईडी पर, जो आप ये आईडी है इस पर आपको 5,000 परचेजिंग वैल्यूम करना होता है। यदि यहाँ कोई 20 नहीं हुआ, मान लेते यहाँ 15 ही हुआ, 15,000 पे ही चले गए, कोई भी बी लाइन में आते 15 पे चले गए, आपने अपने आईडी पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्फ, सेल्फ पर आपने क्या किया 5 कर लिया। अब ये दोनों को प्लस कर दिया जाए तो दोनों प्लस करने के बाद 20,000 परचेजिंग वैल्यूम आपका हो गया। अब 20,000 हो गया तो ये 20,000 को आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी इसमें जोड़ेंगे 50 में 20 को, तो फिर ये हो गया 70। इस तरीके से आप जो है अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीचे यहाँ पर किसी को 5 पे लाना होगा, किसी को 10 पे लाना होगा। स्लेब पर जो एक्टिव लोग हैं, जो करने वाले हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, जो इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ और इसके बाद आप यहाँ पे 20,000 पे चले जाएंगे। और जो कोई भी व्यक्ति अगर आपके बी में बिगिनर बन गया, अगर आपका कोई बिगिनर बन गया तो भी ये 5,000 आपके सेल्फ पर आपको कर लेना चाहिए। 5,000 पीवी तो आपको कंपल्सरी करना ही करना है। यदि आप 5,000 पीवी नहीं करते हैं अपने आईडी पर तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, फिर आप स्लेब के बारे में और इनकम के बारे में भूल जाइए। अब सवाल आपका होगा सर 20,000 यहाँ से और 50 यहाँ से 70 हो गया, अगर ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो पैसा भी आपको ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये मैंने नॉर्मल इनकम बताया था 4,000, इसमें अगर परसेंट आपका पॉइंट जुड़ेगा, अगर 2 पॉइंट का 3,000 रुपया होता है, 1500 रुपया पॉइंट होता है, तो इसमें प्लस हो जाएगा 1500 रुपया। ये 1500 रुपया इसमें प्लस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5,500 रुपया। ये आपको, ये जो पैसा है आपको, ये ओपनर लेवल पर आपको मिलता है, ठीक है। 5,500 रुपया आप अभी के टाइम में जो सिस्टम अपडेट हो गया है, प्लान अपडेट हो गया है, इस टाइम में आप ओपनर लेवल पर 5,000 से ऊपर इनकम ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और इस तरीके से तैयारी आपको इधर भी करनी पड़ेगी। यहाँ भी किसी को आपको 5 पर ले आना पड़ेगा और उसके बाद किसी को 10 पे ले जाना पड़ेगा, उसके बाद किसी को 20 पे रखना पड़ेगा, किसी को 40 पे रखना पड़ेगा। यहाँ 2-3 बिगिनर बनाने पड़ेंगे, 1-2 स्टार्टर, उसके बाद यहाँ से 50,000 पीवी आता। अगर ये ज्यादा हो जाए तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया, तो भी आप जो है ओपनर की पिन लेके आ सकते हैं। यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा होता है तो भी ओपनर की पिन लेकर के आ सकते हैं। दोनों तरफ से मिलाकर भी ओपनर पिन 70 पे आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से 50 से कम नहीं होना चाहिए और इधर 20 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए। मतलब यहाँ 55-60 हो जाए चलेगा, यहाँ 22-23-24-25,000 हो जाए चलेगा, कम नहीं, इधर भी कम नहीं और इधर इससे कम नहीं होना चाहिए, तो पिन नहीं आएगा। लेवल पा सकते हैं, स्लेब पा सकते हैं, इनकम आएगी आपको, लेकिन आपको पिन नहीं शो करेगा। अगर इधर कम है, 50 नहीं है, तो पिन ओपनर का नहीं आएगा, स्टार्टर का ही आएगा। तो इस चीजों को आप ध्यान रखें और इस तरीके से आप बिजनेस को करें। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो तीसरा पिन का स्लेब था, ये जो तीसरा पिन निकालने का तरीका था, वो आपको काफी अच्छा लगा होगा, सही जानकारी आपको मिल पाई होगी। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है। और लगातार हर एक पिन के बारे में मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं, लगातार जानकारी आपको मिलेगी। और हर दिन शाम को 7 बजे हमारी वीडियो पब्लिश होती है, शाम 7 बजे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, पर डे देख सकते हैं, संडे वाले दिन को छोड़कर, कभी कभी संडे को भी मिलती रहेगी। ओपनर निकालना चाहते हैं या स्टार्टर पे खड़े हैं वो, और पिन चेंज करना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो मदद करेगी उनको लेवल अचीव कराने में। ये रोड मैप से समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से आगे तैयारी करके कहां तक पहुंचना है। आपके टीम में नीचे लोग क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी किसकी है, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी तैयारी क्या है, वो आपके अपलाइन को पता होना चाहिए, तभी ये काम संभव हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे बातचीत करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में आएंगे, दूसरी पिन, तीसरी पिन, चौथी पिन। अब तीसरी पिन गई, चौथी पिन इसके बाद ईगल की पिन होती है। ईगल के पिन के बारे में हम आपको आगे कल बताने वाले हैं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपका, लगातार ग्रोथ मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद।